बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और खैरियत से हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपसे, कि मैंने जो है वो घर में होममेड जो है कढ़ाई बनाई थी और बहुत ही ईजी होती है। तो कभी आपके पास टाइम ना हो और जल्दी जल्दी बनाना हो खाना, तो आप जिस तरह से बना सकते हैं तो देख लें आप। 1 kg चिकन था और 4 अदद मीडियम टमाटर थे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक हसब ज़रूरत और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर जो है वो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम यहाँ पर जो है चिकन ऐड करेंगे, ये तकरीबन 1 kg चिकन है और इसे हम जब तक फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और जो हमारे पास मसाले रखे हैं वो हम ऐड करेंगे इसमें। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें जो है हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालते, जो टमाटर का और जो चिकन का पानी होता है ये इसी में घुल मतलब भुन जाता है। और सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है वो देखते रहेंगे थोड़े थोड़े टाइम बाद, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी टमाटर गल जाते हैं। और भून लो तो बस ये रेडी ही होता है। और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, इसमें जो है वो पानी टमाटर का निकल चुका है। अब वो इसी में ही ये गल जाएगा, हम इसी में इसे भून लेंगे और जब ऑयल ऊपर आएगा तो समझो कि कढ़ाई रेडी हो जाएगी और लास्ट की चीज़ें हम जो है वो बाद में डालेंगे। पहले इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसके जो टमाटर है वो गल जाएं और इसके जो पानी है वो सूख जाए। और ये भी ख्याल रखिएगा कि हम जो है वो ज़्यादा देर ढाँक कर रख देते हैं तो इससे चिकन बहुत गल जाता है, तो चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना, फिर वो जो सालन होता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये भी देखना पड़ता है कि चिकन ज़्यादा ना गल जाए, तो आप आप ढाँक के ज़्यादा नहीं रखिएगा। और जल्दी जल्दी जो है हम इसे अभी भूनेंगे और जब ये भून जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी मिर्च और मेथी। यहाँ पर हमारा जो सालन है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, भुन चुका है, लेकिन हम थोड़ी देर और इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। थोड़ी सी सूखी मेथी है और 4 अदद हरी मिर्च हैं बड़ी वाली, हम इसे डालकर थोड़ी देर और भूनेंगे और इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो गल चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में अदरक, और अगर आप चाहते हैं जो है वो कोयले का दम तो आप जो है कोयले का दम भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो इट्स अप टू यू। मैंने इस बार नहीं लगाया वरना मैं हर बार लगाती हूँ। यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक, और अदरक डालो तो बहुत ही प्यारी लगती है कढ़ाई, वैसे भी इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, मुझे तो पसंद है, मैं खाती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर होममेड कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और बहुत यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस तो हमारी कढ़ाई यहाँ पर रेडी है और साथ में बच्चों ने शोर किया हुआ था कि मम्मा बाहर चलें बाहर चलें बाहर चलें, तो फिर हमने सोचा चलो सही है बच्चों को लेकर जाते हैं। तो रात तो काफ़ी हो गई थी, झूले वूले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बंद है, लेकिन एक दो खुल गए, खोल दिए उन्होंने और बच्चों को फिर हमने थोड़ा बहुत
झूले वगैरह दिलवा दिए। ये है मेट्रो, मेट्रो आ गए थे, कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी हमने। और यहाँ पर देखें सन्नाटा हो रहा है बहुत, तो फिर हमने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट करवा लेते हैं, झूले तो हैं यहाँ पर। और ये मैंने लिया है एक अदद बैग ग्रे कलर का, और अरुष को भी बहुत शौक़ था ऐसे बैग पहनने का, तो मैंने सोचा चलो मुझे भी लेना ही है तो चलो ले लेते हैं। और साथ में शूज़ की ज़रूरत थी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अब स्लीपर्स जो है वो नहीं चलेगी, तो साथ में शूज़ भी ले लिए। तो साथ में हमने चीज़ें भी ले ली ये वाली, और बच्चों की भी आउटिंग हो गई। तो बस ये था आज का दिन, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग, और आप सब इसी वीडियो के साथ मरियम नुमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।